नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शंभुगंज प्रखंड के कामतपुर पंचायत के खोसपुर गांव स्थित मुंगिया बांध के समीप बेखौफ अपराधियों ने शिक्षक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शिक्षक कामतपुर गांव के प्रभाकर यादव उर्फ सीताराम यादव, पिता रामेश्वर यादव है। घटना को अपराधियों ने तब अंजाम दिया जब शिक्षक प्रभाकर यादव अपने सहयोगी शिक्षक शंकर रजक के साथ अपने स्कूल मध्य विद्यालय पाटकी अमरपुर से साइकिल से वापस घर घोसपुर आ रहे थे। इस घटना के बाद अपराधी बेखौफ होकर निकल गए। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना मिलते ही शंभुगंज पुलिस व अमरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शंभुगंज प्रखंड क्षेत्र के घोसपुर गांव के शिक्षक प्रभाकर यादव उर्फ सीताराम यादव अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रोन्नत मध्य विद्यालय पाटकी से पढ़ाई कर स्कूल बंद होने के बाद उसी विद्यालय के एक शिक्षक शंकर रजक के साथ हर दिन की भांति दोनों अपने अपने साइकिल से वापस घर कामतपुर पंचायत के घोसपुर गांव आ रहे थे, जहां घोसपुर गांव के समीप मुंगिया बांध पर पहुंचते ही पहले से ही घात लगाए बैठे दो नकाबपोश अपराधियों ने बिना कुछ बोले ही शिक्षक प्रभाकर यादव उर्फ सीताराम यादव को गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी अपराधी बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए मोटरसाइकिल से निकल भागे। इस घटना के बाद उसके साथ आ रहे शिक्षक शंकर रजक भी जान बचाकर भाग गए, जिसके बाद जब तक ग्रामीण दौड़े तब तक सभी अपराधी भागने में सफल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक दो भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। उन्हें दो पुत्र नीलेश कुमार प्रेम सौरभ कुमार व एक पुत्री नीतू कुमारी है। इस घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं मृतक शिक्षक के पत्नी इंदुभूषण देवी भी अपने परिजनों से रोते बिलखते पहुंचे। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि वर्ष 2016 में भी कामतपुर गांव में शादी समारोह से भोज खाकर घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने कामतपुर पंचायत के मुखिया उपेंद्र मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सोमवार को सरेआम फिर शिक्षक की हत्या के घटना के बाद से ग्रामीणों में भय व दहशत का माहौल है। इधर घटना की सूचना पर शंभुगंज थाना अध्यक्ष उमेश प्रसाद व अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय घटनास्थल पर पहुंचे, किंतु घटनास्थल अमरपुर थाना क्षेत्र में रहने के कारण अमरपुर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। और तुरंत सर जो है हाथ दिया थी में, क्या कहते हैं, डरामा, और खींच करके उसको देना शुरू कर दिया सर। जैसे खींचा सर उनको, हम देख लिए सर, हम थोड़ा सा भाग गए। हम मृतक के साथी हुए जी, अब प्रभाकर जी के साथी हुए। जी सर, जी सर, आप चश्मदीद आप देखे दोनों को मरते हुए? जी सर, देख रहे थे तो सर के मरते सर। बांका उत्पाद एवं निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बांका नगर थाना क्षेत्र के पीवीएस कॉलेज के पास एक ट्रक से 500 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपया आंकी जाती है, एवं दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। यह बातें बांका उत्पाद एवं मद्य निषेध अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया, हमें गुप्त सूचना मिली और पीवीएस कॉलेज के पास एक ट्रक कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 30 लाख से ऊपर है। यह ट्रक उड़ीसा से चलकर पटना के किसी पेट्रोल पंप पर शराब को उतारना था, जिसे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम कृष्ण राय छपरा तो दूसरे का नाम मोहम्मद इरफान अली है। एक ट्रक पर संदेह होने के कारण उसको जांच के लिए यहां रोका गया। पीछा करते हुए पीवीएस कॉलेज के पास जब रोका गया तो ड्राइवर ने ट्रिपल वगैरह खोल करके उसको जांच कराया, लेकिन जैसे ही बोरा हटाने लगे ड्राइवर ने भागना शुरू किया। हम लोगों को कन्फर्म हो गया कि इसमें शराब है। ड्राइवर को पहले पीछा करके पकड़ा गया, जांच करने पर पाया कि इसमें 400 से अधिक पेटियां हैं, करीब 400 से 450 के बीच पेटियां होगी। वेरिफिकेशन चल रहा है, हम लोग बांका थाना में एफआईआर कर रहे हैं। सर कितने लागत की होगी सर लगभग? ये शराब करीब 25 से 30 लाख के बीच लागत की होगी सर। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र के शीतला डंगाल हाट के समीप सेखा बांध के पास ऑटो पलटने से 35 वर्ष दो बच्चों की मां की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जानकारी के अनुसार खिजूड़ मुड़िया गांव के एक दर्जन मजदूर ऑटो पर सवार होकर मुकामा दियारा क्षेत्र में कलाई की फसल काटने के लिए मजदूरी करने जा रहे थे। बताया जाता है कि अनियंत्रित ऑटो सड़क किनारे पलट गई, जिसमें गांव के बबलू मुर्मू की पत्नी धनी शोरेन दब गई। महिला के सर में गंभीर चोट आई है, उसके बाद महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने ऑटो को पकड़कर जब्त कर लिया है, जबकि चालक भागने में सफल रहा। ग्रामीणों के अनुसार ऑटो पर सवार चालक व अन्य लोग शराब के नशे में थे। क्षमता से अधिक ऑटो में बिठा लेने से घटना हुई।
चालक साडामोड़ का बबलू मंडल बताया जाता है। ऑटो में बाल भारती आवासीय विद्यालय श्याम बाजार का बैनर लगा हुआ है। बताया जाता है कि ऑटो विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने का काम करता था। घटना में जख्मी युवक सुनील मुर्मू का इलाज रेफर अस्पताल बौंसी में किया गया। ऑटो पर एसएस शीतला डंगाल के रशिया किस्कू खिजूर मुड़िया गांव के परगना मुर्मू की पत्नी सहित अन्य लोग सवार थे। थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिल चुकी है। परिजनों को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गई है। परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक परिजनों द्वारा किसी भी तरह का लिखित आवेदन थाना को नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक का पति हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था, जो करीब एक माह पहले ही यहां से मजदूरी करने निकला है। घटना के बाद 14 वर्षीय पुत्री सावित्री मुर्मू और 8 वर्षीय पुत्र निर्मल मुर्मू को रो रोकर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो माँ और पिता मजदूरी कर अपने दो बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे थे। अपनी मां की मौत के बाद दोनों बच्चों के सर से मां का साया उठ चुका है। अमरपुर थाना क्षेत्र के जैठोर पुल के समीप मादचक गांव के पास बांका पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता के द्वारा दो ट्रैक्टर एवं दो मिनी हाईवा जब्त करते हुए थाना अध्यक्ष के हवाले किया गया है। मौके पर तीन चालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केस का अनुसंधान करने के लिए बांका एसपी का काफिला रजौन जा रहा था, तभी मादचक गांव के समीप वाहनों का काफिला देखकर एसपी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं मौके से तीन चालकों को पूछताछ के लिए अमरपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बांका एसपी की सख्ती देख वाहन चालक में खासी हड़कंप देखी गई। पुलीडुमर प्रखंड में रविवार की देर रात प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्तरी कोंजी पंचायत के विष्णुपुर गांव में एक घर आग लग जाने से खाने पीने के अनाज, पहनने के कपड़े समेत एक दुधारू गाय एवं तीन बकरियां जलकर मर गई। पीड़ित गृह स्वामी ने उक्त जानकारी अंचलाधिकारी को भी दी है। जानकारी के अनुसार विष्णुपुर गांव के भीमराय अपने घर से सटे खलियान पर सोया था। रात 11 बजे अचानक उसकी आंख खुली तो अपने घर में आग की लपेटे उठते देखा, शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण जमा होकर आग पर काबू पाने पर काफी प्रयास किए, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। 5 किलो दूध देने वाली गाय, दो बकरियां समेत दो मेमने जलकर राख हो गई। खाने के अनाज, दैनिक जीवन के आवश्यक बर्तन एवं पहनने के कपड़े समेत घर के सभी सामान जल गए। गृह स्वामी के घर में परिवार से कोई अन्य सदस्य घर में नहीं थे। ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की मदद से उक्त घटना की सूचना अंचलाधिकारी को भी दी गई है। अमरपुर स्थानीय रेफर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे सेंटर का उद्घाटन अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने फीता काट कर किया। मौके पर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने बताया कि अथक प्रयासों के बाद अस्पताल में पहली बार डिजिटल एक्सरे सेंटर का उद्घाटन किया गया है। डिजिटल एक्सरे में तमाम तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है, जिसमें मरीजों का कई प्रकार की एक्सरे किया जाएगा। डिजिटल एक्सरे सेंटर के उद्घाटन से अस्पताल परिसर में आए मरीजों के साथ आम लोगों में खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी समेत डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, डॉक्टर अशोक कुमार शाह, डॉक्टर नवल किशोर शाह, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, एक्सरे संचालक अंजनी कुमार, डाटा केयर मोहम्मद जफर, अभिषेक कुमार घोष, आदित्य कुमार समेत अस्पताल के सभी कर्मी उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।